हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पीएचपी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपको क्या क्या जानना चाहिए पीएचपी जानने से पहले। क्यों पीएचपी सीखना चाहिए, पीएचपी क्या है, पीएचपी फाइल क्या होता है, पीएचपी क्या क्या काम कर सकता है, पीएचपी ही क्यों जबकि बहुत सारा और भी लैंग्वेजेस है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, उसमें पीएचपी ही क्यों, पीएचपी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे पीएचपी का एनवायरमेंट सेटअप हम लोग करेंगे। तो आइए इसको सीखते हैं हम लोग जल्दी से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पीएचपी सीखने से पहले क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है HTML। आपको HTML आनी ही चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर ढंग से PHP सीख सको। उसके अलावा आपको CSS का भी नॉलेज होना चाहिए और थर्ड वन है JavaScript, जिसका अगर थोड़ा सा नॉलेज हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, PHP सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, PHP क्या है, व्हाट इज PHP। देखिए PHP जो है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये जो है वाइडली यूज्ड होने वाला ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो रन करता है सर्वर साइड पे। ओके, यही वजह है कि इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अभी ये जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारा कारण उसके पीछे है। एक पहला कारण ये भी है कि ये फ्री है, आप इसको डाउनलोड और यूज कर सकते हैं आसानी से। पीएचपी फाइल क्या होता है, देखिए पीएचपी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो पीएचपी होता है। और एक पीएचपी फाइल के अंदर टेक्स्ट हो सकता है, HTML हो सकता है, CSS हो सकता है, JavaScript हो सकता है और फाइनली पीएचपी कोड तो होना ही होना है, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि पीएचपी कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर साइड पे। आप क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट कराते हैं लेकिन एक्चुअली वो एग्जीक्यूशन सर्वर साइड पे होता है और आपके सामने एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट है ना वो आपके ब्राउजर पे रिटर्न होता है प्लेन HTML फॉर्मेट में, जो इसको बहुत ज्यादा सिक्योर्ड बना देता है। ओके, पीएचपी फाइल का एक्सटेंशन पीएचपी होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी आइए आगे, क्या भाई पीएचपी क्या क्या काम कर सकता है। तो देखिए पीएचपी कितना सारा काम कर सकता है। सबसे पहला काम है कि पीएचपी जो है वो डायनेमिक पेज कंटेंट जनरेट कर सकता है। मतलब कि आप अपने ब्राउजर से क्लाइंट एंड की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आप भेजते हो वो सर्वर तक जाएगा, वहां पे वो एग्जीक्यूट होगा और वहां से डायनेमिक कंटेंट जो है वो आपको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके ब्राउजर के पास रिटर्न होगा। तो आप अपने लॉजिक को छिपा सकते हो, आप सिक्योर ज्यादा बना सकते हो अपने वेबसाइट को। सेकेंड पॉइंट है कि पीएचपी जो है वो क्रिएट कर सकता है फाइल्स को सर्वर के ऊपर, ओपन कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, डिलीट कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है कि पीएचपी का इस्तेमाल आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्लाइंट एंड से डेटा कलेक्ट करके आप इसको सर्वर पे जाके स्टोर कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज पीएचपी जो है वो और सेंड और रिसीव कर सकता है कुकीज को। कुकीज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को जब आप विजिट करते हो तो वो वैसा इंफॉर्मेशन जो आपका वो रिसीव करता है उसको कुकीज कहा जाता है। तो पीएचपी के थ्रू आप कुकीज को भेज भी सकते हो और कुकीज को रिसीव भी कर सकते हो। पीएचपी जो है वो डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकता है, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है, डेटाबेस से मॉडिफाई कर सकता है एंड सो ऑन। पीएचपी का इस्तेमाल यूजर एक्सेस को भी कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर आप कोई वैसा वेबसाइट बनाते हो जिसपे मल्टीपल यूजर का कॉन्सेप्ट है तो आप चाहो तो वहां पे मल्टीपल यूजर्स को आप क्रिएट कर सकते हो, आप उसको परमिशन अलाउ कर सकते हो, आप जब चाहो तो डिसेबल एनेबल कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और फाइनली पीएचपी के थ्रू आप डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। अभी आइए आगे हम लोग सीखते हैं पीएचपी ही क्यों, वाई पीएचपी। तो देखिए पीएचपी जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकता है, फॉर एग्जांपल विंडोज पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक ओएक्स, ओएस पे, इटसे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पीएचपी का इस्तेमाल लोग वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। पीएचपी जो है वो ऑलमोस्ट
हर एक तरह के सर्वर के साथ जो है वो कंपेटेबल है, चाहे वो अपाचे सर्वर हो या आईआईएस सर्वर हो या फिर कोई और अदर सर्वर। पीएचपी बहुत वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल ओरेकल हो गया, माई सिक्वल हो गया, इस तरह का बहुत सारा डेटाबेस है। ये हालांकि ये अलग बात है कि पीएचपी जो है वो माई सिक्वल के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीएचपी फ्री है, आप इसको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से www.php.net से। पीएचपी जो है उसको पढ़ना और सीखना बहुत आसान होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ये बहुत ही आसान सा लैंग्वेज है। अभी आइए हम लोग देखते हैं पीएचपी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए पीएचपी जो है बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, एफिशिएंट है, आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जॉब को करने में ये एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इस लैंग्वेज में, और बहुत ज्यादा फैमिलियर लैंग्वेज है जो आगे हम लोग देखेंगे कैसे। इसके अलावा अब पीएचपी अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज इंस्टॉल करना होगा। देखिए सबसे पहला चीज आपको अपने मशीन में सबसे पहले तो कोई सर्वर इंस्टॉल करना होगा ताकि वहां पे आपका पीएचपी रन कर सके। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपको अपने ही मशीन को क्लाइंट की तरह भी यूज करना होगा और सर्वर की तरह भी यूज करना होगा, जिसके लिए आपको चाहिए होगा एक वेब सर्वर। सेकेंड, आपके पास डेटाबेस होना चाहिए जिसके लिए हम लोग MySQL इंस्टॉल करेंगे, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कैसे ये कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। थर्ड वन पीएचपी पार्सर चाहिए, एंड द फोर्थ वन एडिटर। एडिटर में आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, मैंने कुछ चॉइसेस का यहाँ पे नाम लिख रखा है, फॉर एग्जांपल नोटपैड प्लस प्लस, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट notepad++.org से। सेकेंड है सबलाइन टेक्स्ट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट sublimetext.com से। और थर्ड वन है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको VS कोड के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट code.visualstudio.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो आने वाले वीडियोस में अपना जो प्रैक्टिकल करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड पे ही करेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड पे आप HTML और CSS का भी बहुत आसानी से आप लोगों ने कोड किया होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये पर्टिकुलर एडिटर, तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे ही करेंगे। हालांकि ये आप लोगों का चॉइस है, आप लोग चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो सबलाइन टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोगों ने ये जाना होगा कि पीएचपी क्या है और पीएचपी कैसे काम करता है और क्यों पीएचपी को यूज करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।